हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज तारीख है 15 अक्टूबर, आपको पता होगा आज है दशहरा और टाइम हो रखा है अभी 10:22। तो अभी मैं आया हूँ अपनी यूपी के जो बुलंदशहर जगह है एक वहाँ पे आया हुआ हूँ। तो बुलंदशहर में एक बहुत ही बढ़िया नहर है, यहाँ पे नहर पे जो है अब टेल वेल लग चुकी हैं और जो सीढ़ियाँ हैं उन पे बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो आज मैं आपको पूरा लुक दिखाने वाला हूँ, कितना अच्छा लुक आता है और पानी भी इस टाइम बहुत ज़्यादा आया हुआ है नहर में। तो यहाँ पे दो नहर हैं, एक इधर मेरे लेफ्ट साइड में है और एक इधर राइट साइड में है मेरे। तो दोनों तरफ वाली नहरों को मैं दिखाने वाला हूँ। उधर साइड आप देख रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ट्रैफिक है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अशांति है, लोग भी वहाँ पे आने वाले हैं। और जहाँ पर मैं हूँ इस वाली नहर पर बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ जगह पर। तो अभी मैं आपको सबसे पहले पूरी जगह को घुमाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उधर अपनी लेफ्ट तरफ, जो उधर साइड में जहाँ पे नहर है, जो मेन नहर है जिसकी अभी अभी मतलब न्यू टेल वेल लग के पूरी मरम्मत हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नहर के मेन पुल पर, आप यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से। तो इधर देखिए, इधर से भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है अभी। तो इधर नीचे की तरफ आप देखिए कितने ज़्यादा यहाँ से इधर से पानी आ रहा है, ये इधर अभी नहीं आ रहा, इधर कम है और इधर भी कम है। अभी मेन पे मैं नहीं गया हूँ, अभी यहाँ से देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी है, आप देख सकते हो वहाँ पर, वहाँ तक कितना ज़्यादा पानी है। और इधर अभी कोई भी नहीं आया है, ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी। तो अभी लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में, अभी आप देख सकते हो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी दशहरा स्टार्ट हुआ है तो अभी साढ़े दस ही बजे हैं, अभी 10:30 हो रहे होंगे ज़्यादा। तो अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो मतलब अगर इसमें कोई डूब गया तो निकलने वाला नहीं है, बहुत ही गहरी है ये नहर। तो अभी आप देख सकते हो ये पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, अभी बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था। तो अभी इसमें नई नई मरम्मत हुई है, मतलब अभी इन सब चीज़ों को लगाया गया है, ये जो रेलिंग लगी हुई है इन सब को अभी लगाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। तो अभी इधर देखिए, इधर मैं आपको दिखा दूँ, इधर तो टैले लगी हुई हैं इधर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लुक है, यहाँ पर लोग बहुत फ़ोटो खींचते हैं आगे। इधर देखिए वहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है, इधर से लोग आ रहे हैं, अभी स्टार्ट हो गए हैं आने। तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे खड़े हुए हैं अभी, और वहाँ पे देखिए वहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं ये। तो गाइस अभी यहाँ से आप लुक देख सकते हो, बहुत अच्छा लुक है यहाँ से। इधर से देखिए, तो इधर से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यहाँ से, अगर कोई बंदा गिर गया तो। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आ रही है गाइस, अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। तो गाइस आप भी यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए आ सकते हो, अगर यहाँ पे आपको फ़ोटो शूट करना चाहते हो तो। अभी यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो रखी है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई हो जाएगी, जैसे ये काम ख़त्म होता है यहाँ से, मतलब दशहरा ख़त्म हो जाएगा। तो आज क्योंकि दशहरा इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं, अभी आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी तो भीड़ स्टार्ट हुई है गाइस, अभी दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ उधर शांति की जगह पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। तो ये जो जितनी भी गंदगी दिख रही है ये साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड और पीली टाइल्स का कॉम्बो कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे है ये वाइट कलर की दीवार। और ऐसी बात नहीं है, सेफ्टी का भी खुद ध्यान रखा गया है, यहाँ पर जंजीर लगी हुई हैं और यहाँ पर एंगल्स भी लगी हुई हैं। तो गाइज़ अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ शांति वाली जगह में, जो जिधर शांति है बिल्कुल, वहाँ पर भी आप फ़ोटो शूट कर सकते हो अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो चलते हैं अभी उधर साइड। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, तो ऊपर से देखिए कितनी ज़्यादा गहरी दिखाई दे रही है, वो वाला पुल कितनी दूर है वहाँ से, वहीं पे अभी मैं था जो आप ऊपर से देख रहे थे। तो नीचे देखिए कितनी ज़्यादा गहरी है, और इधर से देखिए, इधर से सीढ़ी बिल्कुल मस्त नज़र आ रहा है। तो इधर से देखिए, यहाँ से भी सीढ़ी बहुत मस्त नज़र आ रही है, वहाँ पर देखिए कितनी दूर, और वो पानी अलग ही नज़र आ रहा है, कितना अच्छा पानी लुक नज़र आ रहा है। तो अभी मैं चलने वाला हूँ, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो शांति वाली जगह है दूसरी वाली उधर से। गाइज ये यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ वैसे तो पढ़ने के लिए, मेरा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, अभी आगे है। और तो वैसे तो हमारा यहाँ पे आने जाना रोज़ रहता है, लेकिन ऐसे टाइम पर कभी कभी आते हैं क्योंकि दशहरा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है अभी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हलचल होती है तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ राइट साइड में, जहाँ पर जो है मैं बताने वाला था आपको शांति वाली जगह बैठने वाली, जहाँ पर आप बैठ सकते हो। गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए ब्रेंच सी भी लगी हुई हैं बहुत, दो और एक इधर है, एक इधर है। तो और देखिए वहाँ पे, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना अच्छा लुक है, पेड़ ही पेड़ हैं इधर। तो अभी मैं आपको और दिखाने वाला हूँ फ़ोटो शूट वाली जगह, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि फ़ोटो शूट वाली जगह, तो फ़ोटो शूट वाली जगह आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर फ़ोटो शूट करके जा चुका हूँ बहुत, मैं अपने दोस्तों के साथ आया था यहाँ पर, मतलब एक प्रशांत है उसके साथ आया था मैं।
तो अभी चलते हैं। तो अभी इधर से देखिए, इधर से भी नहर थोड़ी थोड़ी दिख रही है इनमें से। यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया, लेकिन यहाँ पे आना जाना मना, लेकिन लोग फिर भी आते हैं क्योंकि उनको फ़ोटो वोटो खींचने होते हैं। तो यहाँ से देखिए नहर दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा गाइस। मेरे को बहुत शांति मिलती है यहाँ के, मैं यहाँ पे आके बैठता था बहुत दिन। तो गाइस देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, कितनी अच्छी है, मतलब लुक आ रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा फ़ोटो आएगा अगर आप खींचोगे तो। अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी में थोड़े फूल वूल की माला वाला और गंदगी थोड़ी सी आ रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जहाँ पे अभी मैं सीढ़ियों को दिखा रहा था आपको, ये देखिए यहीं से मैं नीचे जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं मोबाइल लेके अगर गिर गया तो मैं तो ज़्यादा ज़्यादा भीजूँगा, लेकिन मेरे मोबाइल ख़राब हो जाएगा। और तो आप देखिए यहाँ से भाई बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। पानी के पास बैठ के जब पानी में कंकड़ मारने का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे कभी कभी मछली भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे एक बार हमने सांप भी देखा था। हम यहाँ पे बैठे थे तो सांप इधर से निकल आया था, यहाँ पे गाइस सांप निकल आया था, यहाँ पे बैठे थे हम। देखिए यहाँ पे एक नाव भी खड़ी हुई है। तो गाइस ये नाव बहुत ज़्यादा पुरानी है, आप देख सकते हो लोहे की बनी हुई है और इसमें पानी भर रखा है अभी, तो ये बारिश का पानी भर गया है इसमें। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, ये बहुत पुरानी नाव है गाइस, पुराने ज़माने वाली नाव है ये। आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइज ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेट कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।